तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपको दोस्तों हम बताएंगे इसमें TVS XL 100 हमारे पास ही आई है दोस्तों। तो ये मेरे पास आई है, इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसमें जो प्लग पर जो करंट आता है वो करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें नई पड़ चुकी हैं, जितनी भी इसकी कॉइल वगैरह होती हैं सारी इसमें नई पड़ गई हैं। कस्टमर का कहना है, इन्होंने कहीं ये बाइक दिखाई थी, कस्टमर तो ये मेरे पास ही सही कराते हैं, लेकिन इनकी जो बाइक है रास्ते में ख़राब हो गई थी दोस्तों। तो इनका कहना है कहीं मैकेनिक जो रास्ते में मैकेनिक पड़ा था तो उन पर ये दिखाई थी, तो उन्होंने इसकी प्लग कॉइल वगैरह सारी चेंज कर दी, चार्जर वगैरह सारे नए डाल दिए, फिर भी इसमें करंट नहीं आया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप भी इस वीडियो को देखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इस दोस्तों इसके पैनल वगैरह हटा करके इसके पेज वगैरह सारा खोल लेते हैं, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देख दोस्तों इसको पैनल वगैरह हटा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमने इसके सारे पैनल वगैरह हटा लिए हैं, तो हमको इसमें दिखाई दिया है दोस्तों। आप देख रहे हो इसकी सारी वायरिंग वगैरह इसमें कट पड़ रही है, लेकिन हमने इसमें देखा दोस्तों इसके जो वायर हैं वो कट तो पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई वायर ऐसा नहीं है जिसकी कट होने की वजह से इसमें करंट ना आए। ये जो वायर देख रहे हो ये टूटा हुआ है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें जो प्लग के वायर पर करंट ना आए दोस्तों। तो वायरिंग तो इसकी सही है, हमने चेक कर ली है यहाँ से पूरी। तो दोस्तों देख रहे होंगे इसकी जो प्लग कॉइल होती है तो इसमें ये नई पड़ चुकी है, कस्टमर का कहना है, और इसमें ये इसका जो आर्मेचर है इसमें ये भी इसमें नया डलवाया था इन्होंने, तब भी इसमें करंट नहीं आया। और इसका यहाँ देख रहे होंगे जो चार्जर लगा हुआ है, इन्होंने ये भी इसमें नया डलवा कर देखा, लेकिन तब भी इसमें सारी चीज़ें नई डलने के बाद भी इसमें करंट नहीं आया दोस्तों। इन्होंने वो सारा सामान नया निकलवा दिया दोस्तों, और इसमें सारा सामान जो है इन्होंने अपना ही पुराना इसमें लगवा दिया, और ये मेरे पास भाड़े में रख कर इस बाइक को मेरे शॉप पर ले आए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको आपको करंट चेक करके दिखा देते हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप इसमें जो करंट जो कॉइल पर आता है वो करंट नहीं बन रहा है। तो इसकी सारी कॉइलें हम चेक करेंगे दोस्तों, चेक करने का क्या तरीका होता है, कौन सी इसकी कॉइल ख़राब है, कौन सा इसका चार्जर ख़राब है, तो क्या स्टेप होती है इसमें, कैसे आप चेक कर सकते हैं बिना नए डाले। जैसे इसका आर्मेचर ख़राब है तो कैसे चेक करोगे हमारा आर्मेचर सही है, या हमारा चार्जर ख़राब है, या हमारी जो कॉइल होती है वो ख़राब है, तो कैसे इसको चेक करेंगे वही आपको मैं इसमें बताऊंगा, तभी इसमें आप नई डालें चेक करने के बाद। तो दोस्तों चेक करने के लिए हमने एक इंडिकेटर की मदद ली है, यहाँ एक इंडिकेटर रखा हुआ है दोस्तों। तो इस इंडिकेटर की मदद से हम इसमें चेक करेंगे इसके एक एक वायर को कि इसमें कौन सी कॉइल ख़राब है, इसका चार्जर ख़राब है, या इसका जो आर्मेचर है वो ख़राब है, या इसकी जो कॉइल होती है प्लग की वो ख़राब है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे सबसे पहले हम इसका आर्मेचर जो है चेक करेंगे, इसमें मैग्नेट में से पहले चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो येलो कलर का वायर है, हम इसके इंडिकेटर के जो वायर होते हैं दो वायर, एक वायर हमने इसमें लगा दिया मैग्नेट वाले में, और एक वायर हमने इसमें अर्थ में लगा दिया है। तो दोस्तों हम किक मार के देखेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखा होगा आपने इसका जो इंडिकेटर का जो बल्ब है वो जल रहा है, यानी इसकी जो आर्मेचर है वो करंट दे रही है, तो इसका आर्मेचर ये सही है दोस्तों। तो हमको इसका आर्मेचर तो सही है, हमको आर्मेचर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका हम करेंगे चार्जर चेक, इसका चार्जर जो है करंट बना रहा है कि नहीं। तो चार्जर को चेक करने के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं ये रेड कलर का जो वायर लगा हुआ है यहाँ पे, हम इंडिकेटर का वायर जो है लगा देंगे यहाँ पर, और जो अर्थ हमने जो लगाया था उस अर्थ को हम ऐसी इस अर्थ को लगे रहने देंगे, अर्थ को हमको नहीं उठाना है, ठीक है। अब इसको करंट को चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसमें करंट नहीं आ रहा, इसमें करंट कहाँ, इसका सॉकेट तो लगा ही नहीं है, सॉकेट लगेगा तभी तो इसमें चार्जिंग आएगी दोस्तों, इस सॉकेट को लगा करके फिर चेक करेंगे करंट को, मैग्नेट का सॉकेट तो रह गया दोस्तों। करंट को चेक कर लेते हैं, तो देख रहे हैं दोस्तों आप इसमें करंट जो है बहुत हल्का हल्का आ रहा है, बहुत देख रहे होंगे ध्यान से देखें बल्ब की तरफ। तो दोस्तों देखा होगा आपने इसमें जो है जो हमने करंट जो चेक किया था बहुत हल्का आ रहा है, देख रहे होंगे आप इसका बल्ब जो है बहुत हल्का जला है, यहाँ नहीं इसकी कहीं वायरिंग इसकी शॉर्टिंग कर रही है, इसका चार्जर जो है जो करंट दे रहा है लेकिन बहुत हल्का दे रहा है। तो हम इसकी जो वायरिंग है आप देख रहे होंगे जो ये चार्जर में ऊपर जो करंट आता है इस रेड वायर में, एक तो हॉर्न में जाता है दोस्तों, एक हमारी LED जो होती है ऊपर उसमें आता है, तो हम इसको हॉर्न के जो वायर को अलग कर लेते हैं, कहीं इसका हॉर्न शॉर्ट तो नहीं है। तो इसका जो हॉर्न का जो वायर जो होता है हमने निकाल लिया दोस्तों, अगर इसका हॉर्न शॉर्ट होगा तब भी इसमें करंट नहीं आएगा, तो हमने इसका हॉर्न का वायर को निकाल लेते हैं। अब चलते हैं देखते हैं दोबारा इसको किक मार करके, इसका जो इंडिकेटर का जो बल्ब है चार्जिंग इसमें आ रही है, चार्जर है
करंट दे रहा है कि नहीं। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप, इसमें जो करंट है अभी भी नहीं आ रहा है, यानी अभी भी कहीं और शॉर्टिंग है इसमें। तो दोस्तों हम इसकी दूसरी हमारी रहेगी एलईडी, जो जिसमें करंट जो हमारा जो चार्जर है वो देता है दोस्तों। तो इसकी एलईडी का जो वायर है, एलईडी भी आप देख रहे हो इसकी ख़राब सी लगी हुई है। इसका जो सॉकेट है हम एलईडी का निकाल लेते हैं, अब देखते हैं इसमें करंट आएगा या नहीं दोस्तों। क्विक मार के देखते हैं। तो देख रहे होंगे दोस्तों इसका जो चार्जिंग है, जो चार्जर हमारा जो करंट देता है प्लग कॉइल को, तो इसमें अब इसमें चार्जिंग पूरी तरह आ रही है। अब इसका हम करंट चेक कर लेते हैं प्लग पर। देख रहे होंगे इसकी केबल जो है करंट बना रही है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे इसमें हमने कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आपके पास भी ऐसी बाइक आए तो आप भी ऐसी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्यों इसकी एलईडी शॉर्ट होने की वजह से क्यों इसमें करंट नहीं आ रहा। देखेंगे इसकी एलईडी तो बिल्कुल ख़राब है, और इसकी क्या वजह थी अगर इसमें शॉर्टिंग हो जाए तो क्यों इसमें करंट नहीं आता, वो भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो देख रहे होंगे आप दोस्तों इसमें जो आप जो इसकी जो मैगनेट है, जो आर्मीचर, इसमें जो येलो कलर का वायर होता है, इसमें जो जो आर्मीचर है वो करंट देता है चार्जर को। इससे जो देख रहे होंगे चार्जर में पीला कलर का वायर लगा हुआ है, ये तो इसकी लाइटिंग को जो लाइट जलाता है। और ये रेड कलर का जो वायर है ये चार्जिंग देता है दोस्तों हमारे हॉर्न को, और जो हमारी जो प्लग कॉइल है उसको, और ये एलईडी लाइट को। आप देख रहे होंगे यहाँ जो दो वायर लगे हुए हैं, एक तो हमारी जो प्लग कॉइल होती है उसमें करंट देता है, और एक जो वायर जो ऊपर जाता है एलईडी हमारी जो जलती है और हॉर्न जो बजता है, और एक वायर देख रहे होंगे ये जो वायर लगा हुआ है ये चार्जिंग इस कॉइल को देता है यहाँ इस वायर से। तो ये इसका जो चार्जिंग का जो वायर है ये हमारी जो प्लग कॉइल है उसमें करंट देता है दोस्तों, जो करंट बनाती है। और ये ऊपर जो जा रहा है देख लूँगा, एक तो एलईडी में ये काम करता है और एक हॉर्न में, तो इन दोनों वायर ये एक ही होते हैं। तो उसकी एलईडी की शॉर्टिंग की वजह से इसमें जो करंट जो है नहीं बन पा रहा था, वो करंट जो है वहीं शॉर्ट हो रहा था, इसीलिए इसमें पूरी प्रॉपर करंट नहीं बना रहा। तो दोस्तों देख लूँगा इसकी वायरिंग पूरी ख़राब हो चुकी है, हम इसकी वायरिंग इसमें नहीं डालेंगे, इसकी वायरिंग इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि वायरिंग ख़राब हो चुकी है। करंट तो हमने आपको बता ही दिया इसको करंट कैसे आएगा। दोस्तों वायरिंग हम डालेंगे लेकिन आपको हम दिखाएंगे नहीं कि वायरिंग कैसे इसकी पड़ती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको देखनी है इसकी वायरिंग कैसे डलती है तो मैंने उस पर पहले से इसमें वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप देखना चाहें तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें हम वायरिंग नहीं डालेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम अगर आपके पास आएगी तो सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।